Good morning, guys. I hope all of you are doing great. I just woke up and I have a lot of plans today. I am going for a house hunting. So, abhi subah ke ho rahe hain 9 o'clock. अब मैं ब्रश करूँगी, रेडी होंगी एंड देन मैं आप लोगों को लेके चलूँगी मेरे साथ साथ हंटिंग ट्रिप पर. सो स्टे ट्यून फॉर दैट. दोस्तों हम ऑल सेट रेडी. मैंने पहना ये ग्रीन सा टॉप एंड देन जीन्स. अभी मैं निकल रही हूँ, विजय बाहर वेट कर रहे हैं. लेट्स गो, घर देखते हैं कुछ और निकलते हैं. मेरे को बस अभी शूज़ पहनने हैं. आई एम जस्ट लाइकिंग इट. सो मैंने सोचा मैं बीच में व्लॉग बनाना ही भूल गई क्योंकि मैं लेट हो रही थी. तो मैं जल्दी जल्दी रेडी हुई, मैंने मेकअप भी नहीं किया सो एंड फोन चार्जिंग पर लगाया क्योंकि फोन चार्ज नहीं था और चार्जिंग से ज़्यादा मुझे डेटा केबल उठानी है. तो चलो वो भी निकाल लेता. लेट्स गो गाइस. विजय को अभी याद आई है सनस्क्रीन लगानी. इट्स अ रिमाइंडर, पुट योर सनस्क्रीन ऑन जब बाहर जा रहे हो. कितनी अजीब सी शक्ल हो रही है मेरी तो आज. बट यस, हम रेडी हैं और ड्राइवर सर अभी तक रेडी नहीं है. इन्हें सनस्क्रीन याद आ गई है तो उनके अपना सनस्क्रीन लगाया जा रहा है. इफ यू गाइस आर न्यू टू माय चैनल, माय नेम इज ज्योति. माय नेम इज विजय. आज का इंट्रो कुछ खतक यार. आप देखो, आप सनस्क्रीन देखो इनकी. माय नेम इज ज्योति. माय नेम इज विजय. गाइस वी लिव इन वैंकूवर कनाडा एंड वी ट्राई टू शेयर बिट ऑफ लाइफ हियर एंड देयर. हाउस इट लाइफ इन कनाडा, इमिग्रेंट्स एंड स्टफ लाइक दैट. If you guys are new to channel, please channel को सब्सक्राइब लाइक करे बिना मत जाना. और आपको पता ही होगा कि हम जा रहे हैं हाउस हंटिंग के लिए. तो हमारी पहली अपॉइंटमेंट है 11 बजे और राइट नाउ टाइम हो रहा है 10:15 एंड आई डिडंट हैड अ ब्रेकफास्ट. पहले हम कुछ खाएंगे पियेंगे एंड देन हम जाएंगे अपनी फर्स्ट अपॉइंटमेंट. सो स्टे ट्यून्ड, मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे कैसे कैसे हाउसेज होते हैं, कैसे हम रेंट करते हैं और क्या प्रोसेस होता है. तो उसके लिए आपको व्लॉग को देखना पड़ेगा और क्या हाउस मार्केट है और क्या रेंट चल रहा है आज के टाइम में. सो लेट्स सी. पूछे पूरा गार्बेज में रहे ब्लॉग में बने रहे. यस बात है. वेदर देख लीजिए दोस्तों, आज सूरज महाराज निकले हुए हैं, बहुत ही खुश है हमसे और वेदर का लुक उठाया जा रहा है पूरा पूरा पर हाउस हंटिंग के लिए, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम घर देखने गए थे बहुत बारिश हो रही थी. और समर इज कमिंग बैक, वी आर एक्साइटेड, वी गोना गो टू ट्रिप्स. So much gonna happen and so much is happening back and हम बता नहीं सकते आपको, बट हम घर क्यों शिफ्ट कर रहे हैं वो आपको पता लग जाएगा आने वाले अपकमिंग व्लॉग्स में कि क्यों शिफ्ट कर रहे हैं. बट आज घर का प्रोसेस देखते हैं और चलते हैं और व्लॉग में बने रहे. मेड इट टू टिम गाइस. ब्रेक ही करेंगे पहले. गाइस टिम पे तो बहुत लाइन हो रही है. आर यू इन लाइन? आपको लाइन दिखाते हैं गाइस. मैं खाली हाथ वापस आ गई, मैंने कुछ नहीं लिया है क्योंकि इतना स्लो चल रहा था. ऊपर से कम मेरे आगे 10 बंदे खड़े थे एंड आई कैन नॉट वेट दैट मच इन द लाइन फॉर दिस. सो इसलिए फिर मैंने डिसाइड किया कि भाई हम कहीं और से ले लेंगे. इट्स बेटर टू गो एंड नॉट टू स्पेंड लाइक हाफ एन आवर हियर ऑन टेबल. पता नहीं यार, बहुत स्लो. ओनली 2-3 काउंटर ओपन की जगह सिर्फ एक ही काउंटर चल रहा था. माइट बी इनकी टीम कम होगी या कुछ भी, बट बहुत स्लो था. तो आई थॉट इट्स वेस्ट ऑफ टाइम एंड या बेटर टू लीव एंड वी विल गो समवेयर थ्रू ड्राइव थ्रू. गाइस जो हम पहली लोकेशन देखने जा रहे हैं वो हम जा रहे हैं कुकेटलम. गाइस हम फाइनली पहुंच गए हैं, ऑलमोस्ट 1 मिनट टू गो और आप लोगों को दिखाते हैं. Guys, this is the property, and we'll see. We'll go inside and see. जो हमारी होगी entrance वो पीछे से होगी, घर के पीछे से जाके तो वहीं जाएंगे हम लोग. Oh no, we didn't get the chance. Yeah, that was so good. Yeah, lots of people saw that. Yeah, a lot of people see that. Yeah. Right now they have many slides. But that will be all moving out within 1 week. This is Osho. This is room number 1, right? Room to काफी spacious है. This is Dan, right? ये लोग move out कर रहे हैं. This is Dan. इसलिए इतना कुछ पता नहीं लग पा रहा है. But that's the other bedroom. एंड दैट्स द किचन. मैं उसे साइड में नहीं दिखा सकती क्योंकि कोई है ऑलरेडी. बट दिस इज किचन. चल देयर
एंड दिस इज द सेकंड बेडरूम. बेडरूम काफी अच्छा है, घर बहुत स्पेशियस है. सो गाइस ये डिफरेंट होता है बेसमेंट में, ये बस इतनी सी विंडो दिख रही है. This is a den you can use, and that is one of the bedrooms. And what's that door? That's the stairs, go upstairs, okay, but I blocked both sides. Oh, okay, sounds good. And I also put some proof here, so you cannot hear anything. Oh, okay. Perfect. Yeah, I want to see the closet for them. And this is the second window, and that's the closet. Guys, काफी spacious है, मतलब like काफी spacious है, but the only and यहाँ से हमें दिखता है बाहर का, so it's quite spacious though, but let's see क्या होता है. And this is going to be our own laundry. Guys, ये stairs, तीन stairs चढ़कर जाना पड़ता है, and that's the place. So काफ़ी बढ़िया लाइक स्पेशियस थी, बट द प्रॉब्लम इज़ दैट एक तो ये नीचे जाना पड़ता है, इसके लिए प्रॉपर बेसमेंट वाली फीलिंग थी, विच इज़ अ बिग नो इन माई लिस्ट ऑफ फाइंडिंग अ हाउस. मैं नीचे जाके नहीं रह सकती, लाइक ग्राउंड फ्लोर इज़ फाइन बट नॉट द लाइक अगर वी हैव टू टेक द स्टेयर्स एंड गेट डाउन, क्योंकि मैं कभी ऐसे घर में रही नहीं हूँ, तो मेरे लिए आई डोंट नो, मतलब मेरी पर्सनल चॉइस में ये नहीं है, कम्फर्टेबल नहीं फील करती मैं ऐसी जगह. दूसरी बात, the price is 2400 plus utilities plus internet, so it's going to be lump sum around 26 to 2700 canadian dollar for a month for this property. But no doubt it's very spacious basement, it's a very big like storage wagera ka pura tha, proper dishwasher and everything is there. But no, from my side for now, we'll go and see the another property, uske baad dekhte hain. Aur kafi purani bhi bani hui thi, wo bhi thoda tha, matlab mere ko tha ki टाइल्स वगैरह काफ़ी पुरानी थी, एंड आई डोंट थिंक सो पेइंग 2600 फॉर दिस इज वर्थ एज ऑफ नाउ, बट विल सी, वी आर इन हंटिंग. सो मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसे बेसमेंट्स वगैरह होती है, बाकी आपने देखा ही होगा स्पेसेस थी. बाकी आप बताना कुछ आपके पास सजेशन हो तो. नाउ विल मूव टू हैव सम ब्रेकफास्ट, टिमी इसके बिल्कुल पास है, और इसका ये फ़ायदा है कि दिस इज़ लाइक 10 मिनट्स वॉक बाय स्काई ट्रेन स्टेशन, तो हमें कहीं भी जाना है मुझे 10 मिनट वॉक करके स्काई ट्रेन मिल जाएगी, तो विच इज़ अ बेस्ट पार्ट. और मैं कुछ ऐसा ही घर देख रही हूँ जो वॉकिंग डिस्टेंस हो, या लाइक बस से भी 5-10 मिनट हो स्काई ट्रेन जाने के लिए, बिकॉज माई वर्क इज़ इन डाउन टाउन, आई लिव इन वेरी क्लोज टू सरी और इन सरी, और हार्ड होता है आई नो, बट दिस टाइम प्रायोरिटी इज़ टू शिफ्ट टूअर्स दिस कोकेटलाम बर्नबी वैनकूवर साइड. विल सी हाउ इट गोना वर्क आउट. चलते हैं फिर, कुछ खा भी लेता फिर बेसमेंट नंबर और घर नंबर 2 देखने चलते हैं, और उसका भी प्राइस बताते हैं, और उसका भी अगर उन्होंने होम टूर अलाउ किया तो उसका भी होम टूर देंगे हम आपको. स्टे ट्यून्ड, अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना. गाइज, हम यही डिस्कशन कर रहे थे कि घर जब हमने मार्केट प्लेस पे देखा था, मैं पता नहीं इफ अलाउ टू पुट दोस फोटोज ऑन एयर, जब मैंने मार्केट प्लेस पे ये बेसमेंट देखी थी या ये घर देखा था, इट वॉज मैंशन एज अ ग्राउंड फ्लोर, और सेकेंड थिंग बहुत ही सुंदर लग रही थी फोटोज में, ऐसी लग रही थी कितनी नई और कितनी क्लीन बनी हुई है, जब यहाँ आके देखा नो इट्स नॉट लाइक दैट एट ऑल. मतलब जो टेनेंट्स थे वो तो मैसे थे, दैट्स फाइन, बट मतलब बहुत पुरानी पता लग रहा था कंस्ट्रक्शन से कि पुरानी बनी हुई है, तो फिर मैंने कहा नहीं नहीं यार. और मेरे को तो ये नहीं समझ आ रहा था अगर स्नो पड़ गई तो वो डोर जो हम स्टेयर्स नीचे चढ़ के जाना है, 4 स्टेयर जो डोर है उसके आगे तो स्नो ही स्नो हो जाएगी. अदर क्वेश्चन मेरी जिंदगी में. एंड स्नो कैन बी रिस्की. अगर बंदा ये कि 2500-2600 पे कर रहा है तो इट्स गोना बी वर्थ इट, बट और गाइज आप ट्रस्ट नहीं मानोगे, मैं 25 बंदों को भेजती हूँ एवरी डे फॉर लाइक इन्फॉर्मेशन सारी राइट करके कि हे दिस दैट दैट आई एम लुकिंग फॉर अ स्पेस फॉर दिस मेनी पीपल एंड स्टफ लाइक दैट, मुझे 2 या मैक्सिमम 3 बंदों का रिप्लाई आता है. और ये प्रॉब्लम है, क्रॉस वॉक करी थी, ये प्रॉब्लम है कि किस तरह जाना हमें टीम के लिए, लेफ्ट हाँ, तो ये ना टीम तो सामने चलो फिर. हाँ सॉरी, ये तो मैं क्या बताई थी आप लोगों को कि क्या बता रही थी मैं खुद ही भूल गई, मैं क्या बता रही थी आप लोगों को. हाँ तो मैं ये बता रही थी कि मैं इतने सारे लोगों को रिप्लाई करती हूँ, मुझे मुश्किल से 2 या 3 का रिप्लाई आता है. हाउस हंटिंग यहाँ पर इस टाइम बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक तो रेंट बहुत फ्लक्चुएशन की वजह से रेंट बहुत हाई हो गए हैं, तो लोग बाग अपनी जगह भी नहीं छोड़ते इतनी जल्दी से. जिस घर में मैं रह रही हूँ इट्स बिन 3 ईयर्स, नाइस डिसेंट मनी है रेंट की, और लाइक प्रॉपर 3 साल निकल गए उधर पता भी नहीं लगे, और अभी भी निकल जाते और 4-5 साल कुछ नहीं पता होना था. बट द ओनली प्रॉब्लम इज दैट कि समवन इज कमिंग फ्रॉम इंडिया, सो उसके लिए आपको व्लॉग्स देखने पड़ेंगे तभी पता लगेगा. तो सरप्राइज था, बट मैंने बता दिया कि क्यों हम बेसमेंट देख रहे हैं, इसी वजह से देख रहे हैं गाइस बेसमेंट. और
चल रहा है प्रोसेस, अभी हमारे पास टाइम है 1.5 महीने, हमने लैंडलॉर्ड को नोटिस देना है आज, मैं दे दूंगी उन्हें नोटिस जाके होपफुली, अगर मुझे आज कुछ समझ आएगा तो। दोस्तों एक और ट्राई, सामने ये रहा टीम, आई होप इसके, हाँ इसके एंट्रेंस यहीं से है, जाके कुछ लेते हैं। इस पर भी भीड़ तो लगी रही है बट इतनी ज़्यादा नहीं है, तो होपफुली जल्दी नंबर आ जाएगा। फोर इज हेयर, बहुत टाइम लग गया दोस्तों, 20 मिनट लगा दिए दोस्तों। लंच ब्रंच ब्रेकफास्ट सब चल रहा है साथ साथ में, गंदे वाली भूख लग रही है, आप लोग भी खा लो। लो गाइस खा पी लिया है, थोड़ी सी शांति आई है, तो मैंने सोचा आपको अपडेट दे दूं। हम जा रहे हैं बन्ना भी, हम 5 मिनट दूरी है उस घर से जिसको देखने जा रहे हैं, वो भी ग्राउंड फ्लोर बेसमेंट है, नॉट अ न्यू वेस्ट, बन्ना भी बन्ना भी है बट विजय सर न्यू वेस्ट है, सो न्यू वेस्ट ही होगा क्योंकि मुझे तो लोकेशन बन्ना भी दिख रही थी। बच्चा अभी जा रहे हैं, अभी दिखाएंगे आपको वहाँ जाके, और उसका प्राइस वगैरह भी उसके बाद बताएंगे, और आई होप टूर अलाउ करेंगे तो हम आपको टूर भी दिखाएंगे उस घर का भी। तो चलो चलते हैं। सो जैसे ये वाली है, ये वाली बेसमेंट इज फाइन, यू डोंट फील लाइक कि तुम बेसमेंट में हो, बट ये पीछे से इसकी ऐसे ग्राउंड फ्लोर पे ही होता है। ब्रांड न्यू और जस्ट लाइक रेनोवेटेड? ओके गाइस, लिविंग रूम थोड़ा छोटा है बट देखो विंडोज वगैरह है, तो इसमें तुम्हें फीलिंग नहीं आएगी कि ऐसी है। एंड देन दिस इज रूम नंबर 1, प्रिटी ओके साइज है, और ये वाली क्लोजेट है, क्लोजेट भी काफ़ी अच्छी है अगर आपको दिख रहा होगा तो, दैट्स गुड। एंड देन वॉशरूम प्रिटी क्लीन नाइस, लाइक आई वाज लुकिंग फॉर समथिंग दिस काइंड ऑफ हाउस एंड दैट्स मी एंड दे वर डिस्कसिंग, जस्ट यू कैन इग्नोर देम, दैट्स रूम नंबर 2। एंड सी गाइस, दिस इज, दिस वॉन्ट गिव यू अ फीलिंग ऑफ बेसमेंट, सी हाउ ह्यूज द विंडो इज दिस, सो इट्स लाइक अ ग्राउंड फ्लोर ऑफ द हाउस बट बैक साइड से एंट्री होती है। और ये सी क्लोज गाइस, यू कांट बिलीव वी रियली लाइक दिस प्लेस एंड इट्स ऑलमोस्ट आर्ट। बाकी प्लेस काफ़ी अच्छा लगा, हमें पसंद आया, और जो लोकेशन उसके अकॉर्डिंग प्राइस इज रियली रियली गुड। एंड सेकेंड थिंग, अभी हमें पहले इसकी एप्लीकेशन लॉन्च करनी पड़ेगी, ये हमारा एम्प्लॉयमेंट इन्फो, एम्प्लॉयमेंट रेफरेंस चेक करेंगे, देन हमारा क्रेडिट चेक होगा, और उसके बाद हमारा व्हाट एल्स, क्या और चेक करते हैं, एम्प्लॉयमेंट, क्रेडिट कार्ड और प्रीवियस लैंडलॉर्ड रेफरेंस चेक, तो उनको भी कॉल करके पूछेंगे कि हम कैसे टेनेंट्स एंड स्टफ लाइक दैट, तो वो सब होगी मेरी इन्फॉर्मेशन चेक कल परसों में, और उसके बाद हमें पता लगेगा कि हमें ये प्लेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी। फिर उसके बाद हमारी एक और शाम को 5 बजे व्यूइंग स्केड्यूल है वैंकूवर में, बट पता नहीं हम वो वाली व्यूइंग देख पाएंगे जाकर या नहीं देख पाएंगे। वो लेनवे हाउस है 2 बेडरूम का, उसका प्राइस है 2700 प्लस यूटिलिटीज प्लस इंटरनेट, सो वो काफ़ी आउट ऑफ बजट है, बट हाउस है वो, सो लेनवे हाउस लाइक बैक साइड ऑफ द हाउस, प्रॉपर हाउस बना हुआ है, काफ़ी सुंदर है, मैंने देखा था उसका वीडियोज़ वगैरह, तो मैं शायद जाऊँ या ना जाऊँ वो अभी आपको आगे वाले आने व्लॉग्स में पता लगेगा, आगे आने वाले व्लॉग में पता लगी जाएगा, बट करंटली हमारे रिलेटिव्स आए इंडिया से, हम उनसे मिलने जा रहे हैं, तो आप लोगों को भी लेके चलते हैं। चलो